नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में दिल से स्वागत करता हूं। गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि केवीएस के भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं एमसीडी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके रिजल्ट के बारे में। एमसीडी ने जो एग्ज़ाम लिए हैं, कुछ एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि दिसंबर तक सभी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है। इसके लिए हमने आपको इन्फॉर्म किया होगा, इसके लिए आप लोगों ने सुना होगा कि एक धरना धरा जा रहा है, मतलब धरना देने के लिए बच्चे वहां पे जा रहे हैं। 24 दिसंबर प्रातः 10 बजे कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन, आप दोबारा ये सुन सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि 24 दिसंबर 2018 प्रातः 10 बजे कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन पे आपको पहुंचना है। इसके बाद डीएसएसबी जो ऑफिस है वहां पे कड़कड़डूमा के पास में ही है, वो वहां से हम डीएसएसबी ऑफिस में जाएंगे। तो साथियों, ये जो मुहिम चलाई जा रही है ये है कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए, जिससे बच्चों का नुकसान ना हो। आपको ये भी पता होगा कि एमसीडी पीआरटी पर केस चला हुआ है, और भी स्पेशल वाले एग्जाम्स हैं जिन पर केस चला हुआ है। तो मैं सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं, जो भी रिजल्ट चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वहां पे पहुंचें, जिससे आपकी जो मांगे हैं डीएसएसबी तक पहुंच पाएं। साथियों, आप जानते होंगे धैर्य जी, आप लोगों ने बिल्कुल सुना होगा, धैर्य जी का नाम बिल्कुल सुना होगा, और आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन जरूर होगा कि धैर्य जी का एग्ज़ाम जरूर 13 या 14 वाली शिफ्ट में से होगा। तो दोस्तों, आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि जो धैर्य जी हैं, मेरी उनसे बात हुई थी, हालांकि मैं भी स्टार्टिंग में यही सोच रहा था कि जो धैर्य जी का एग्ज़ाम है 13 या 14 की शिफ्ट में होगा, और इसीलिए धैर्य जी भी इतना जोर डाल रहे हैं कि आप लोग आएँ और एग्ज़ाम कैंसिल ना हो। लेकिन धैर्य जी का जो एग्ज़ाम हुआ है वो 28 तारीख को हुआ है, और आपको पता है 28 तारीख वाली शिफ्ट में लगभग 25 क्वेश्चन रिपीटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात चल रही है कि इतने क्वेश्चन डिलीट होंगे। हालांकि मुझे लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक कैंडिडेट के माइंड में बहुत डाउट होता है, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट के लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, धैर्य जी से मेरी बात हुई थी, धैर्य जी ने जो बात मुझे कही है बिल्कुल दिल को छूने वाली बात है, और उस बात को सुन के आपको इतना अच्छा लगेगा मैं बता नहीं सकता। धैर्य जी से मैंने कहा कि धैर्य जी, आपका एग्ज़ाम कब था? तो उन्होंने बताया कि मेरा भी एग्ज़ाम था 28 को था। तो मैंने कहा कि आप क्यों लड़ रहे हैं, फिर मैंने पूछना चाहा कि आप क्यों लड़ रहे हैं, आप रिजल्ट के लिए क्यों जा रहे हैं, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। लेकिन धैर्य जी ने जो मुझसे बात कही, धैर्य जी ने कहा कि सिलेक्शन चाहे किसी का हो लेकिन अच्छा हो, मैं कभी गलत के साथ नहीं हूँ, गलत गलत होता है, सही सही होता है, मैं सही के साथ हूँ, चाहे मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन मेरे जैसे कितने साथी हैं जिन्होंने मेहनत करी है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। इसके बाद मैंने धैर्य जी से बात करी 30 वाली शिफ्ट और 28 वाली शिफ्ट के लिए। तो धैर्य जी ने जो मुझे बात बताई, उन्होंने कहा कि जो 30 वाली शिफ्ट है और 28 वाली शिफ्ट है, वो भी अपने हक के लिए ज़रूर जाएँ, वहाँ पर आएँ, अपनी मांगे रखें। और वो धैर्य जी बोल रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि 30 वालों के साथ नुकसान हो, जैसा कि साथी मैं भी पहले से बोलता आया हूँ कि 30 वाले जो साथी हैं उनके साथ भी कुछ गलत ना हो, और 28 वाले जो साथी हैं उनके साथ भी गलत ना हो, सभी को इक्वली लेके चला जाए। देखो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन ये नहीं कि किसी भी शिफ्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो, किसी भी शिफ्ट को बहुत ज़्यादा फायदा हो, सिलेक्शन चाहे किसी का हो। धैर्य जी बोल रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर हो। तो साथियों, ये बात बिल्कुल दिल को छूने वाली थी धैर्य जी की, और अगर आपके माइंड में अगर फिर भी ये रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग मुझे मिले और मुझसे यही क्वेश्चन किया कि धैर्य जी का एग्ज़ाम जरूर 13 या 14 वाली शिफ्ट का होगा, लेकिन आप अभी समझ सकते हैं कि 28 वाली शिफ्ट का भी कोई बंदा आप लोगों के हक के लिए लड़ रहा है। तो आप लोग ज़रूर आए, वहाँ पर डीएसएसबी के सामने शांतिपूर्ण ढंग से मांग रखी जाएगी, और हम ये चाहते हैं कि रिजल्ट की हमें डेट दी जाए, कब तक रिजल्ट आ सकता है। और आप समझ सकते हैं कि बच्चे इतनी मेहनत की है, बच्चों ने बहुत टाइम से रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से एग्ज़ाम दे रहे हैं, कैंसिल हो रहा बार बार, लेकिन बच्चे अब नहीं चाहते कि एग्ज़ाम कैंसिल हो। जैसा कि आपको पता है,
कि केस भी चल रहा है, और अगर आप नहीं जागे तो देर हो सकती है और आपका मतलब सिलेक्शन ना हो, हो सकता है कि कैंसिल हो सकता है एग्ज़ाम। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 24 दिसंबर 2018 मतलब कल मंडे को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे आएँ, DSSB के सामने शांतिपूर्ण ढंग से मांगे रखी जाएंगी, और हमें रिजल्ट चाहिए। मांग ये होगी कि रिजल्ट चाहिए। 30 वाले जो साथी हैं हमें आके ज़रूर बताएं कि उनकी क्या डिमांड है, और हम भी ये चाहते हैं कि 30 वालों के साथ भी कुछ गलत ना हो, 28 वालों के साथ भी कुछ गलत ना हो, लेकिन कैंसिल होना दोस्तों सॉल्यूशन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बात बिल्कुल समझेंगे, और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ग्रुप का लिंक डाल देता हूँ, आप सीधा वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर आएंगे, और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ। तो गाइस थैंक यू।